यह जो झारा समुदाय है, यह लोग संपूर्ण रूप से आदिवासी समुदाय में आते हैं। यह गौड़ आदिवासी का उपजाति कहलाता है और इनकी दो भाषाएं हैं, एक शादरी, दूसरा इनका है चुतिया नागपुरी। लेकिन इनके सारे परंपरा, सारे रहन सहन संपूर्ण रूप से आदिवासियों की तरह ही हैं। इनकी कला भी बस्तर आदिवासी के ही एक नमूना है। हमारा जाति भी आदिवासी है, लेकिन कैसे सरकार नहीं मानती है, इसी को मेरे को बहुत संकोच लगती है। ये सपरिवार में 5-6 आदमी काम करते हैं, ये हमारा कला। बाकी लोग ये काम छोड़ दिए हैं? छोड़ दिए हैं, क्या करेंगे, मिलेगा तब ना करेंगे। अभी सब चीज का जो महंगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये खूबसूरत कला लुकने वाला है। लुकने वाला है। रायगढ़ जिले से कोई पहचान नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है, बस वो किसी ने जमा कर दिया सामान, इनाम मिल गया, 5 लोग छापड़ी पीट दिए, हो गया, उसका तो पूरा पेट भर जाएगा ना, वो आगे चलते उसको कुछ नहीं लगेगा। तो ताली मत पीटे, इनाम पछे ना दे, लेकिन हमारा जाति को बना दे, उसी में हमको दिलचस्पी है। 2009-10 में ये मेरे को राज्य स्त्री पुरस्कार मिला है, और मेरे को 2009-10 में नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट भी मिला है राष्ट्रपति द्वारा। ये अवार्ड मिला है इसलिए कहीं जो सरकारी जो प्रदर्शनी लगता है उसी में आमंत्रण करते हैं और जाके वहाँ अपना सामान बिक्री करते हैं। पेंशन नहीं मिल रहा है। इंदिरा आवास भी नहीं मिल रहा है। वन अधिकार के तहत पट्टा जमीन वमीन का नहीं मिला है नहीं। और ये आज तक हमारे जो जाति का है कोई पहचान नहीं, तो ये हम चाहते हैं कि हमारा जाति का जो है पहचान बने और हमको सर्टिफिकेट मिले। इस झारा समुदाय के बच्चों को आदिवासी समुदाय के नाम से एक पहचान इस वीडियो के माध्यम से देने के लिए मैं इन मासूम बच्चों के बीच यह वीडियो बना रही हूँ। इन्हें एक जातिगत पहचान दिलाने की अपील करती हूँ। मैं यहाँ के कलेक्टर मुकेश बंसल का फोन नंबर आप सभी को दे रही हूँ, जिससे आप इनको फोन करें। उनका फोन नंबर है 94-25-27-41-65। मैं सविता, रायगढ़, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहर्ड के लिए।